कोई भी लड़की हो लड़के हो सबको सुरक्षित जगह पे। रुकने का सवाल कैसे आता है जब क्रिमिनल जस्टिस नहीं मिलता है? कि औरत के साथ साथ मर्द भी सुरक्षित नहीं है। आप देखोगे गूगल में तो रेगुलर बेसिस में कहीं ना कहीं पर कहीं से कई बार रेप हो रहा है। पुलिस प्रेशर में आते कुछ नहीं कर पाते हैं। जस्टिस तो मिलके रहेगा। हम दो रात से सो नहीं पाए ये सोचते हुए कि हम लोग कितना इनसिक्योर है। एक डॉक्टर जो लगातार ड्यूटी कर रही है वहाँ पे, जो पेशेंट की भलाई के लिए फाइट कर रही है, उस डॉक्टर के साथ ये हो गया एक हॉस्पिटल के अंदर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे पश्चिम बंगाल पर में सड़कों पर रात के वक्त महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, पुरुष भी उस आंदोलन का हिस्सा बनके उस जूनियर डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रही है जिस जूनियर डॉक्टर को बर्बरता के साथ गैंग रेप किया गया। पहले तो ये कहा गया कि ये रेप है, फिर उसके बाद जो है जब सीबीआई ने पहले दिन इस पे जो है रिसर्च किया तो पता ये चला कि ये गैंग रेप का मामला था। ये पूरे पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो है कॉलेज स्क्वायर पे हम मौजूद हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाएं आंदोलन कर रही है, वी वॉन्ट जस्टिस के नारे के साथ पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाएं हर तरफ सड़कों पर उतर कर पुरुष के साथ आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन में जो जोश दिख रहा है वो आमतौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी में के रैली में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है उनके जीवन से जुड़ी हुई है। और शायद जिस तरह से ये घटना हुआ उस घटना के बाद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। सीबीआई पहले दिन इन्वेस्टिगेट करती है, पता ये चलता ही है कि पूरा गैंग रेप का मामला है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इंसाफ किया जाएगा, मगर अभी फिलहाल जो है ये बातें जो है लोगों के मन में चल रही है कि जस्टिस इज डिनाइड, जस्टिस इज डिनाइड करके बात चल रहा है कि अगर जस्टिस देने में देरी होता है तो जस्टिस देने में नाइंसाफी होता है। इस नारे के साथ पूरे पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लोग सड़कों पर है, आक्रोश है और एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जो शायद 2013 में जो निर्भया के साथ हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन पूरे पश्चिम बंगाल में दिख रहा होगा। काफ़ी सारी महिलाएं अलग अलग तरीके से इस आंदोलन में जुड़ी है, उन तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो आंदोलन क्या नाम है। दिख कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष पोषक। कहाँ से आए हो? मैं यहीं पर रहता हूँ, सियालदह में रहता हूँ। ये बताइए कि आज सीबीआई ने पहले दिन इन्वेस्टिगेट करके कहा कि ये गैंग रेप है और पूरा मामला जो है सीबीआई देख रहा है, तो और क्या एक्सपेक्ट करिए? ये जो 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 इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो लोग अपना हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो और जो असल दसी है उनको जो है जल्दी करके निकाल के उनको शास्ति देना चाहिए। मतलब अच्छा पनिशमेंट देना चाहिए उनको। ये कभी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये एकदम नक्कर ये हीनस एक्टिविटी है, हीनस क्राइम है। वो ठीक है, ये चाह रहा है कि जैसे ये घटना हुआ तो क्या आप भी अपने बेटी के सुरक्षा को लेकर चिंतित थे? सबका सुरक्षा जरूरत है, कोई भी लड़की हो लड़के हो सबका सुरक्षा जरूरत है। ऐसा घटना कभी नहीं होना चाहिए। सब ये जो लड़की के साथ हुआ है, किसी का माँ है, बहन है, बेटी है, ये कभी नहीं होना चाहिए। किसी कोई घटना में कभी नहीं पाए, ये नहीं करना चाहूंगा। कल के लिए आजादी का जश्न, आजादी का जो जश्न है, आजादी का जो जश्न है, मैं अगर इंसानियत के नाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कल के लिए सब कुछ बंद रहना चाहिए पूरा, और फ्लैग भी आधा रहना चाहिए ड्यू टू रेस्पेक्ट टू हर। कहते हैं कि जस्टिस डिना जस्टिस डिले जस्टिस डिना, मेरा सवाल ऐसा घटना पहले भी हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में, ये रेगुलर बेसिस में होता है। अगर आप देखोगे गूगल में तो रेगुलर बेसिस में कहीं ना कहीं पर कहीं से कई बार रेप हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट हो ये चीज को बंद होना चाहिए। सीएम ने कहा है कि अगर फांसी देना हो तो फांसी देंगे, सीएम जो कहा है कहना दीजिए, परंतु फांसी तो अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है। फांसी देना तो उसको क्या तकलीफ, कुछ मालूम होगा नहीं होगा, कुछ मालूम नहीं होगा। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को इसको ये जो रूल्स है फांसी देने का, ये सब केस में पूरा चेंज करना चाहिए। अगर मेरा होता तो मैं उसको एक हाथ एक पैर काट के उसको आजीवन उसको जिंदा रख के उसको
तकलीफ देता है। क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सर्विस करते हैं। तो ये पूरा घटना हुआ तो आप भी, आपको डर लगता है सुरक्षा को लेकर? देखिए अगर अगर नॉर्मली आप सोचोगे, अभी हम लोग नॉर्मल डे में अभी भी आप बाहर है, आज आप पाकशीर में जाओ, पाकशीर में जाओ, वहां पर जाइए, देखिए सेलिब्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं सेलिब्रेशन में, वहां पर लड़की भी है लड़का भी है, परंतु कुछ लोगों का मेंटेलिटी ऐसा है जिसके लिए हम सबको ऐसा भुगतना पड़ रहा है। आप भी काम के लिए बाहर हो, आपका भी कोई घर का कोई ना कोई बाहर है, सच है, कोई ना कोई लड़का बाहर है, परंतु सबके साथ तो नहीं हो रहा है, परंतु आदमी का सोच, इंसान का सोच इतना गंदा हो चुका है जिसके लिए आज ये हालत हुआ है। हम सबको आना पड़ा, मतलब फांसी ही होना चाहिए, हार्डेस्ट पनिशमेंट। हम लोग का जो रूल्स है उसके हिसाब से फांसी होना चाहिए। हम बता रहे हैं बंगाल का लॉ ऑर्डर इतना खराब है, इतना खराब है, यहाँ जो होता है पुलिस का, पुलिस प्रेशर में आके कुछ नहीं कर पाते हैं, इसकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है। आज ये जो घटना घटी है, पहले बोला सुसाइड, फिर उसके बाद बोला गया उसके बाद पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम हुआ है। क्यों क्राइम हुआ है, इसका पहले भी एक डॉक्टर को, एक डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर उसका सिक्योरिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, आम आदमी कहा जाता है, एक डॉक्टर को हॉस्पिटल का अंदर में सिक्योर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आम आदमी सिक्योर नहीं है। लड़की लोग एक कबाद हर 6 महीने में एक रिपोर्ट आ रहा है रेप का, ये सरकार निकम्मा है, पूरा निकम्मा सरकार चल रहा है, और इसका बावजूद ये लोग क्रिमिनल को गार्ड कर रहा है, जो एविडेंस है उसको हड़प करने की कोशिश किया है, इसके चलते रविवार तक टाइम लिया है, ये बात समझना है। अच्छा, ये आंदोलन कंटिन्यू चलेगा? चलेगा तो बिल्कुल चलेगा। अच्छा, क्यों रुकने, रुकने का सवाल कैसे आता है जब क्रिमिनल जस्टिस नहीं मिलता है? जो लड़की मरा गया है उनका उम्र 30 साल के आसपास, 31 साल का ऊपर, तो आपको क्या लगता है ये आंदोलन चलेगा, चलना नहीं चाहिए? तो बोलिए ये आंदोलन चलना ही है, जब तक क्रिमिनल जो क्राइम किया है, जो हिमिनस काम किया है, उसको सरकार निकलते नहीं है और फांसी नहीं चलाते हैं, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ आंदोलन चल रहा है, इस तरफ विद्यार्थी देखिएगा कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और वी वांट जस्टिस के स्लोगन के साथ लगातार यहाँ आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो विद्यार्थी है, जो आंदोलन चल रहा है, उस सीबीआई के केस से अब जो है थोड़ा संतुष्टि है, कुछ और लोगों से जुड़ते बात करने की कोशिश कर। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी है उसने पश्चिम बंगाल के उस सुरक्षा के सवाल को उठा दिया, पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के सवाल को फिर से जागरूक कर दिया। एक लेडी है जो लगातार इस विरोध प्रदर्शन में लगातार नारे लगा रही थी, महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, तो उनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरे सुरक्षा को किस तरह से देख रहे हैं और आज का जो विरोध प्रदर्शन है उसको किस तरह से वो देख रहे हैं। मैम आपका गुड नेम? सागरिका दासगुप्ता जी। तो आज एक वीक हो गया इस पूरे विरोध प्रदर्शन को, क्या लगता है जस्टिस मिलेगा या जस्टिस हमेशा की तरह डिनाई रहेगा इस बार? देखिए जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, रात को हम लोग के इंडिपेंडेंस डे में रात को हम लोग आके एक साथ होके यूनाइटेडली सारे पूरे, ये बंगाल सिर्फ नहीं है। अच्छा। ये इंडियन सिटीजन्स है। अच्छा। हम लोग सब भारतीय लोग हैं, हम लोग भारतीय सब सिटीजन्स एकत्रित हुए हैं, जस्टिस तो अब मिलके रहेगा, लेके छोड़ेंगे। तो सवाल ये है कि आज जिस तरह से एक हफ्ता हो गया, तो क्या लग रहा है कि लेट किया जा रहा है जानबूझ के या किसी साजिश के तहत ये लेट किया जा रहा है? हमेशा साजिश ही होता है, कॉन्स्पिरेसी होता है, कुछ ना कुछ तो बनता रहता है, लेकिन हम लोग भी आम जनता जो है, हम लोग के पास भी पावर है, वरना डेमोक्रेसी नहीं फॉर्म कर सकते। अच्छा। तो जस्टिस हम लोग डिलेड है, लेकिन हम लोगों को मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही आंदोलन होता रहेगा। क्या करते हैं आप? टीचर है। टीचर है सरकारी स्कूल में? नहीं, हम लोग प्राइवेट स्कूल के टीचर है। तो कहाँ से आप आए हैं? सेंट्रल कैलकटा। सेंट्रल कैलकटा से जी। सवाल ये है कि जब एक हफ्ता पहले ये घटना हुआ तो
पहला सवाल क्या था, स्पीचलेस थी या मतलब बहुत ज्यादा डर था या गुस्सा? पहली बात तो था कि डर, हमारे घर में भी बहन है, हमारे घर में भी माँ है, बच्चे है, तो डर तो रहेगा ना। तो पहले तो डर था कि हम लोग एक डॉक्टर के साथ, एक डॉक्टर जो लगातार ड्यूटी कर रही है वहाँ पे, जो पेशेंट की भलाई के लिए फाइट कर रही है, उस डॉक्टर के साथ ये हो गया एक हॉस्पिटल के अंदर, तो हम लोग कहाँ सुरक्षित थे भाई। हम भी अपने घर वाले के घर में रहे थे, जितने सारे लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, किसी को हम लोग बाहर नहीं भेज सकते हैं काम के लिए। तो पहले था डर, उसके बाद इस डर को हम लोग काबू में रखे और हम लोग सोचेंगे अब तो लड़ाई करना है, अब तो लड़ाई करना है, लड़ाई करेंगे और जीतेंगे भी, हम लोगों को विचार चाहिए। ये पहला प्रोटेस्ट में आप आई हैं या इससे पहले भी कंटिन्यूअसली और प्रोटेस्ट में जा रहे हैं? इससे पहले भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट भी किए हैं, ये सोच के कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, कि गवर्नमेंट कभी तो हम लोगों की बात समझे। लेकिन जब लगातार ऐसे चल रहा है और गवर्नमेंट कभी नहीं बात सुन रहा है, तो हम लोगों को ये प्रोटेस्ट ऐसे बोलना पड़ा, करना पड़ा, आवाज उठानी पड़ी। 2013 में एक निर्भया का केस हुआ था दिल्ली में, और उसके बाद लगातार हाथरस, उन्नाव, कठुआ, मणिपुर और पश्चिम बंगाल, आप तमाम घटना को लेकर चिंतित है या सिर्फ कोलकाता की घटना को लेकर चिंतित है? आई एम एन इंडियन सिटीजन, मुझे मेरे भारत के लिए परवाह है, मैं चिंतित हूँ अपने भारतवासी के लिए, जितने भारत। और एक सच बात बताते हैं आपको, आज जो लग रहा है इस घटना के बाद, कि औरत के साथ साथ मर्द भी सुरक्षित नहीं है, मर्द भी सुरक्षित नहीं है। मर्द के क्या चीज को लेकर आपको लगा कि मर्द सुरक्षित? देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ आज औरत पर ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मर्दों के साथ भी हो रहा है और लगातार हो रहा है। अनऑफिशियली उसको बंद कर दिया जा रहा है, अनऑफिशियल रखा जा रहा है, लेकिन हो तो रहा है। तो सुरक्षा की जो अगर बात है, सिर्फ ये औरत नहीं, मर्द, बच्चे, बूढ़े, सबके सुरक्षा के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, और ये सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए सोचना पड़ेगा, और हम लोग यही करने आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये घटना हुई तो यहाँ की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम उन कल्प्रिट्स जो भी हैं उनको जो है मतलब फांसी की सजा देंगे, और उसके कुछ ही दिन बाद जो है, कुछ ही घंटा बाद ये मामला सीबीआई को चला गया, तो क्या सीएम की बातों पर यकीन था कि सीएम ने जो कहा है वो सच कहा है? देखिए, सीएम जो है हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, हम उनकी कुर्सी की कदर करते हैं, डेजिग्नेशन की कदर करते हैं, शी इज़ अ चीफ मिनिस्टर आफ्टर ऑल, लेकिन डीले तो हुआ है, जस्टिस तो बहुत जगह पे नहीं मिला है हम लोगों को, इसीलिए हम लोगों को लगा कि इस बार भी वही होगा और दब जाएगा। क्या नाम हुआ मैम आपका? मिसेस बी चक्रवर्ती। तो मैम ये बताइए, क्या करती हैं प्रोफेशन? मैं बिजनेस वूमेन हूँ। बिजनेस वूमेन, तो कहाँ रहती हो कोलकाता में? मैं शियाला में रहती हूँ, यहीं पे रहती हूँ। यहाँ भी रहते हैं। तो इस मर्डर को आज सीबीआई ने कहा कि ये गैंग रेप है, पहले तो कहा रेप है, आज कहा गैंग रेप है। शुरू से सबको मालूम था ये गैंग रेप है, मगर सीबीआई ने आज क्लियर कहा। तो ये बताइए कि उम्मीद है जस्टिस का, या आपको लगता है कि जस्टिस मतलब शैडो बन जाएगा? उम्मीद रखते हैं, उम्मीद से ही इंसान जीते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जस्टिस हम लोगों को मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। इसी वजह से आज रात को सारे लड़कियां हम लोग जो कैप्शन दिए हैं, रातेर मेदेर यात्रा बा, रातेर मे दखल, रातेर रास्ता दखल, हमरा विचार न्याय विचार पाबो बोलेई हमरा एई सुविचारेर आशाय हमरा रास्ताय नेमेछि, बा हमरा सुरक्षित होते चाइ, हम लोग सिक्योर रहना चाहते हैं, कि हम लोग रास्ते में पीसफुली सिक्योरली चल सके, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, इसके सिवा हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। इस देश में 3 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है, 73 साल की एक बूढ़ी नान भी सेफ नहीं है, तो इस देश का क्या होगा? हम लोगों को चाहिए जो वो है जस्टिस, जो आज हुआ है उसको हम लोग चाहते हैं कि उससे उसके संग न्याय हो, हम सबके संग न्याय हो, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। अच्छा, ये जो घटना हुई तो ये दूसरे की घटना आप सोच रहे हैं या आपको लगता है कि हमारे साथ भी ऐसी की घटना है? हाँ। ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है। अच्छा। दूसरे की घटना हम क्यों समझे? अगर दूसरे की घटना समझते तो रात भर यहाँ रास्ते में नहीं ना होते हम लोग। अच्छा। ये सब हमारी घर की कहानी है, घर की घटना है,
तो लगता है कि आपकी सीएम इंसाफ देने में सहयोग करेगी? उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक लड़की है, औरत है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ हम लोगों को मिलेगा। एक सवाल है मेरा, लास्ट सवाल, फ्राइडे को ये इंसिडेंट हुआ, इट्स बीन अ वीक, मतलब ये जब इंसिडेंट हुआ तो जब आपको ये सवाल उठे, जब ये खबर आई, तो आपके पहले रिएक्शन क्या थे? आप क्या कंडीशन था कि आप बात कर सको, या आप कंडीशन आउट? स्पीचलेस हो गए थे हम, दो रात से सो नहीं पाए, ये सोचते हुए कि हम लोग कितना इनसिक्योर है। जो एक लड़की, जो डॉक्टर है, उम्मीदवार है, जो जीवन देती है, उसका इस तरह से बलात्कार हुआ है, इस तरह से ब्रूटली मर्डर किया हुआ है, तो कहाँ है हम लोग? किस दुनिया में जी रहे हैं? किस देश में जी रहे हैं? हम दो दिन दो रात से सो नहीं पा रहे, सुबह अगर थोड़ी सी भी नींद आई, सुबह आँख खुलते ही उसका चेहरा, उसके संग जो कुछ हुआ है, सारे फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में जो भी दिखने को मिल रहा है, देख के दिल दहक जाता है। सोच में पड़ जाती हूँ कि कैसे जिएंगे हम लोग, कैसे पैदल चलेंगे रास्ते में अकेले, क्या हमेशा मेरे बेटे मेरे संग रहेंगे, मेरे पति मेरे संग रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। हम लोगों को अकेले रास्ते में चलना है, हम लोगों को अकेले में अपना काम करना है, जीना है, हम लोगों को जीना है। वी वांट जस्टिस, इसके सिवा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन है, लोगों के मन में नाराजगी है, क्योंकि 31 साल की एक डॉक्टर के साथ जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, शायद वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। आज जो कुछ भी अपडेट आया सीबीआई की तरफ से, उन अपडेट ने शायद पश्चिम बंगाल की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े किए, यहाँ की महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल की सीएम भी एक लेडी है, और शायद इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि सीएम अगर लेडी है तो इंसाफ जो है मिलेगा। हालांकि कहा यह जाता है कि सुप्रीम, जिस तरह से सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर किया है, और सीबीआई ने पहले दिन में बहुत सारे तथ्यों को क्लियर किया है, और सीबीआई ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ ब्रुटैलिटी थी, और ये जो रेप वाला शब्द था उसको गैंग रेप में कहा है कि सीबीआई ने कि ये गैंग रेप हुआ है, और साथ ही साथ बहुत ब्रूटल वे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है उसके बॉडी से मिली है जो शायद एक दूसरे मतलब चीज़ों की तरफ जो है अंदेशा कर रही है, दूसरे चीज़ों की तरफ इंफॉर्मेशन दे रही है। अब देखना यह है कि सीबीआई इस पूरे मामलात को देख रही, कब इंसाफ मिलेगा। मेरे पीछे जो सड़क है, उस सड़क पे लोग जो है खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सारे भाई हैं जो अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं, जो बेटे हैं वो अपनी माँ की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं, जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, और जो फादर है वो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर इस जो है पश्चिम बंगाल में सवाल पूछ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कभी भी ऐसी कुछ घटना नहीं होती थी जैसा कि पश्चिम बंगाल के कल्चर को धूमिल किया जा सके, मगर इस मर्तबा जो कुछ हुआ, शायद 2013 का जो निर्भया रेप कांड था जो दिल्ली में हुआ, वो शायद पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने कर पूरे पश्चिम बंगाल के उस कल्चर को तार तार करने की कोशिश किया, जिस कल्चर पर पश्चिम बंगाल के लोगों को हमेशा से गर्व रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द देश नीति के लिए।